आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में चल रहा तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। जी हां, पांचवें दिन टीम इंडिया की कसी हुई गेंदबाजी के सामने संघर्ष करते नजर आए ऑस्ट्रेलिया को पीटर हैंडस्कोप और शॉन मार्स ने उबारा और एक वक्त हार के कगार पर खड़ी ऑस्ट्रेलिया किसी तरह ये मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रही। पीटर हैंडस्कॉम्ब ने शानदार 72 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम की हार को टाला है। आखिरी दिन स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर 204 रन बना लिए थे। मेजबान टीम के लिए इस मैच में रविंद्र जडेजा ने 9 विकेट झटके तो वहीं चेतेश्वर पुजारा ने डबल सेंचुरी लगाई। पांचवें दिन 29वां और 30वां ओवर ऑस्ट्रेलिया को बेहद भारी पड़ा। इस दौरान केवल 4 बॉल में 2 बैट्समैन आउट हो गए। सबसे पहले मैट रेनशो आउट हुए। 29वें ओवर में ईशान शर्मा ने उन्हें LBW कर दिया। उन्होंने स्मिथ के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़े। NMF न्यूज की रिपोर्ट।